अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, फूड चेन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि ईद की हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुकी हैं और सुबह से फातिमा अच्छा फील नहीं कर रही, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। रात को भी फातिमा की कुछ तबीयत अच्छी नहीं थी और बस अभी इसका थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है। फातिमा कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक है जी। फातिमा अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा बेटर फील कर रही है। तो अब सीन इस तरह है कि मेरी ना फजर का जो ट्रीटमेंट है हम लोग इस्लामाबाद और लाहौर दोनों पे कर रहे हैं जी। तो आज मैं, फातिमा, अनाबिया और फजर हम लोग जा रहे हैं। बेसिकली फातिमा जो फजर के डॉक्टर हैं वो मेरे ताया हैं, मेरे ताया होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। मैं उनसे फजर का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फजर इज़ रिस्पॉन्सिंग वेरी गुड दीज डेज। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है आजकल फजर। तो क्योंकि मैं लाहौर आई हूँ, मेरे ताया लाहौर में रहते हैं, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठा रही हूँ और फजर की मेडिसिंस के लिए मुझे उनसे मिलना था, इसके एक एग्जामिनेशन के लिए मुझे उनके पास जाना था। तो मैंने आज उनको सुबह कॉल की कि हम उनको बेसिकली कहते हैं बड़े पापा। मैंने कहा पापा जान आप अवेलेबल हैं तो मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप ज़रूर आ जाएं। तो अभी मैं, फजर, फातिमा और अनाबिया हम लोग तीनों जा रहे हैं, पापा जान के घर जाएंगे। वहाँ पे हम फजर को एग्ज़ामिन करवाएंगे, वो फजर को देखेंगे, उस हिसाब से फिर उसकी प्रोग्रेस चेक करेंगे। और फजर आप जाएंगे? तो अभी हम लोग बस कुछ देर में निकलेंगे घर से। और फजर का मूड कुछ अच्छा नहीं है। फजर, आर यू फीलिंग हंग्री? फजर को भूख लग गई आई गेस। तो मैं अभी थोड़ा सा फजर का पेट भरती हूँ। ये देखिए शी इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये देखो फजर। तो फजर गाइस बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर लुक आफ्टर करती हूँ और इंशाल्लाह फिर आपसे मैं जी। तो फ्रेंड्स, फजर जो है वो इस वक्त अपना फूड खा के एंड शी इज़ हैविंग अ नैप, सो गई है फजर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं अपने छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, तब तक इनका बैग मैं तैयार कर लेती हूँ बच्चों का। और फातिमा और अनाबिया बिल्कुल रेडी खड़ी हुई हैं, उनसे बिल्कुल भी अब वेट नहीं हो रहा, बिल्कुल जाना चाह रही हैं। जाना चाहते हो? किसके घर जा रहे हो? किधर? वर्दा के घर जा रही हो आप? हैं तो जो मेरे ताया की है ना सबसे छोटी पोती, मेरे कज़न की बेटी, वो अनाबिया की बहुत अच्छी फ्रेंड है ना। अनाबिया आपकी फ्रेंड है ना? वर्दा, वर्दा से मिलने लगी हो आज आप? वेरी नाइस। और फातिमा भी जा रही है साथ। ये आर यू हैप्पी फातिमा? यस। चलो जी जी, गाड़ी मैंने बुक कर ली है और हम लोगों के दरवाजे पे आ चुकी है। अब फजर सो रही है, मैं उसको बस इसी तरह से उठाऊंगी, उसने अपनी नींद पूरी कर ली है। ठीक है, और जाके उधर डॉक्टर से एग्जामिन करवाएंगे, फिर आके जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी हम जो है वो जा रहे हैं और रास्ते में अभी, और बहुत अच्छा मौसम है लाहौर में। सुबह बारिश हुई थी, अभी शुक्र है अल्लाह का धूप नहीं है इतनी, और अगर धूप होती ना तो बच्चों को मुझे बहुत ज़्यादा तंग करना था गर्मी की वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप नहीं है। तो अभी हम लोग बस रास्ते में हैं, इंशाल्लाह उधर पहुँच के तो फिर उनसे मुलाकात करते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी जो हूँ वो डॉक्टर के पास आई हूँ। बहुत ज़्यादा लेट नाइट का टाइम हो चुका है, 11 बज गए हुए हैं और फातिमा भी बहुत ज़्यादा थकी हुई है, आप देख सक रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ। साइमा भी अभी मैं थकी हुई हूँ, मैं अभी बड़ी शॉपिंग करके आ जाई हूँ। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा चैनल कुकिंग विद दुआ, उसमें आप देखना कितनी शॉपिंग आज हमने की, आज दुआ को मज़े करा दिए। तो अब आप बोलें और मेरे चैनल पे आप लोग देखिएगा मेरा व्लॉग, जिसमें आप लोगों को सारा मैं जर्नी दिखाया है कि हम लोग किस तरह से गए हैं, बच्चों ने क्या क्या किया है। बच्चों ने आज बड़ा इन्जॉय किया क्योंकि उधर मेरे कज़न्स के बच्चे थे, उनके साथ ये खूब खेलनी है, ज़्यादा सारा खेलनी है। इन्जॉय किया आपने? अनाबी आपने इन्जॉय किया? yes. हमने आपको मिस किया। नन्ना ने तो बहुत मिस किया, ये अपनी नानों को कहती हैं नन्ना, और नन्ना इनके बगैर बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी आज। वो कह रही थी घर में इतनी खामोशी है, नाबिया फातिमा नहीं है, मज़ा ही नहीं आया। जी तो YouTube फैमिली, इस वक्त रात के बज रहे हैं 2 बज गए और हम लोग सारे जो है ना वो बातें कर रहे थे आपस में।
तो इस वक्त हम लोगों को लगी है बहुत ज़बरदस्त भूख। एक्चुअली हम लोगों की रूटीन आजकल कुछ इस तरह से है ना कि सारे इकट्ठे हुए हुए हैं गैदरिंग में, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत लेट ना बहुत सुबह तक बातें करते हैं, तकरीबन 3-4 बजे तक हम लोग बातें करते हैं। तो फिर जब हम लोग सुबह उठते हैं ना तो 1 बजा होता है, हम लोग नाश्ता करते करते हमें 2 बज जाते हैं, रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो हम लोग ना जो शाम का खाना है ना शाम का और रात का मिक्स करके दोपहर का और रात का खा लेते हैं, तो वो 7 बज जाते हैं हमें। तो अभी लेट नाइट सारे बातें कर रहे थे, सबको ना बहुत ज़्यादा भूख, स्पेशली अनाभ्या को, अनाभ्या को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अनाभ्या आप इतने, अनाभ्या आपको भूख लग रही है, क्या खाना है आपने? मैक्रोनीज खानी है, ठीक है। तो मैं ना तो अनाभ्या की फरमाइश पे मैं सबके लिए इस वक्त बना रही हूँ मैक्रोनी, आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ, ठीक है? तो आ जाइए। ये मैंने ना वेजिटेबल सारी काट कट करके रखी हैं, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो हमारा चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसकी रेसिपी ना मैं डिटेल में अपने चैनल में डालूँगी, अभी तो मैं जस्ट घर वालों के लिए ना कुछली इसको बना रही हूँ, क्योंकि सारे अब कह रहे हैं कि मैक्रोनी का नाम सुन सुन के ना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और सबको ही भूख लग रही है। तो डिटेल इसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे डालूंगी, आप वहाँ पे देखिएगा। तो अभी जो है ना जल्दी जल्दी से इसको तैयार करते हैं, खाते वक्त आपको दिखाएंगे, ठीक है? और सबके रिव्यूज़ भी लेंगे कि उनकी कैसी लगी। मैं वेजिटेबल्स को ऐड करने लगी हूँ, चिकन हमारा बड़ी अच्छी तरह से फ्राई हो गया। वेजिटेबल्स को ना मैं तेज़ आग में सॉस फ्राई करूँगी और हल्का सा मैं इसको पकाऊँगी, बाकी इसमें मसाले और हर्ब वगैरह डाल के सब कुछ। तो फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी डाल के इसको फाइनल करूँगी और अब मैं इसको अपनी फाइनल लुक जो है ना इसी को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी क्विक क्विक सी 5 मिनट में मैक्रोनीज हमारी रेडी हो गई हैं, अब मैं ना इनको सर्व करने लगी हूँ। एक दफ़ा मैं आप लोगों को ना दिखा दूँ कि ये कैसी लग रही हैं। और इधर ना मेरे पास किचन में आ गई इस दफ़ा मेरी 2 परियां, ये देखें दुआ दुआ, डू यू वांट टेस्ट इट? या गुड गर्ल, एंड हेयर इज अनाभ्या। अनाभ्या डू यू वांट टू टेस्ट इट? या शो गुड गुड गर्ल। जी तो ये देखें हम सारे इस वक्त लेट नाइट पार्टी कर रहे हैं। तो आपा जान कैसी लग रही है? एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। अनाभ्या आपको बेटे कैसी लगी है? इज इट गुड? थैंक यू। माँ जी आपको कैसी लगी है? जबरदस्त, थैंक यू मामा। एंड द लेडी, द लेडी, द मोस्ट फेमस लेडी, कैसी लग रही? पीस इतनी मजे की है। हम ना मुझे बचपन याद आ गया, हम बचपन में ना जब रात के टाइम भूख लगती थी तो आपा को कहते होते थे हमारे लिए बना। तो आज जो शेफ है ना वो चेंज हो गया, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो। बहुत मजा आया वाकई और एंजॉय भी बहुत किया। रिमेंबर रखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल माँ जी, जी तो यहीं पे हम अपनी वीडियो करते हैं एंड। और बहुत मजा, बहुत मजा आ रहा है। ये रेसिपी आपने लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी कैसी बनी है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।